हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ भिंडी मसाला रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। और इसके लिए मैंने गैस में पैन चढ़ा दिया है और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है उसमें। और उसमें मैं डाल रही हूँ भिंडी। मैंने 250 ग्राम भिंडी लिया है और इसको धो के अच्छे से कट कर लिया है। थोड़ा बड़ा बड़ा टुकड़ों में कट कर लिया है उसको। और अभी उसको हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा तब तक। देखिए भिंडी हमारा फ्राई हो गया है। अभी मैं उसको निकाल लेती हूँ। अभी मैं बस सेम पैन में उसको मसाला उसी में ही बनाऊंगी। और इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून जितना ऑयल डाल दिया है पैन में। और उसमें मैं अभी डाल रही हूँ हींग, थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ मैं, 2-3 पिंच। हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है सब्ज़ी में। और अभी मैं उसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून जितना जीरा डाल रही हूँ मैं उसमें। और जीरा को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी मैं। और जीरा हमारा भी थोड़ा 2-3 सेकंड है, उसको थोड़ा सा फ्राई करना पड़ता है। और अभी उसमें मैं डाल रही हूँ करी पत्ता। मैंने 4-5 करी पत्ता लिया है, करी लीव्स जो बोलते हैं उसको मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैंने एक प्याज लिया है, बड़ा प्याज मैंने कट करके उसको भी डाल दिया है। और प्याज को हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, तब तक कलर चेंज हो जाएगा। तब तक देखिए प्याज हमारा थोड़ा सा फ्राई हो गया है। और अभी मैं डाल रही हूँ मैं उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून जितना, उतना मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है उसको मैंने डाल दिया है उसमें। और उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि उसका कच्चापन चला जाए। और देखिए जिंजर गार्लिक पेस्ट भी थोड़ा सा फ्राई हो गया है हमारा। अभी मैं उसमें सब सूखा मसाला डाल रही हूँ। मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है चिली पाउडर, और 1 टीस्पून जितना जीरा पाउडर डाल दिया है मैंने, और धनिया पाउडर भी डाल दिया है 1 टीस्पून जितना। और सभी को सूखा मसाले को अच्छे से उसके साथ मिक्स कर लेना है। और ज़्यादा टाइम नहीं फ्राई करना है, नहीं तो सूखा मसाला जल जाता है। और एक मैंने छोटा टमाटो लिया है, और आप नहीं चाहो तो टमाटो भी मत डालो तो भी चलेगा। मैंने छोटा सा टमाटो डाला है उसमें चॉप करके, और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है उसके साथ। और अभी मैंने नमक भी डाल दिया है। और अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसको कवर करके और 2-4 मिनट के लिए और थोड़ा लो फ्लेम में पकाना है। देखिए मसाला भी हमारा थोड़ा पक चुका है। और अभी उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि जो सूखा मसाला मैंने डाला था वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी उसको कवर कर देना है और थोड़ी 2 मिनट के लिए उसको पकाना है। देखिए मसाला भी तेल छोड़ने लगा है और ये अच्छे से पक गया है मसाला हमारा। और अभी उसमें मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी लिया है और उसको भी हाथ हाथ की मदद से थोड़ा सा ऐसा क्रश करके मैं डाल दूंगी, उससे अच्छे से टेस्ट आएगा। कस्तूरी मेथी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और गैस की फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। और अभी मैंने लिया है 100 ग्राम जितना दही, और ये रूम टेम्परेचर पे है, ज़्यादा खट्टा भी नहीं है ये। और वो दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था और दही को डाल दिया है। और याद रखना है, दही जब आप डालोगे तो गैस का फ्लेम लो होना चाहिए, और दही डालने के बाद लगातार उसको ऐसे चलाते रहना है। और जब तक थोड़ा सा उबाल ना आ जाए सब्ज़ी में, तब तक ऐसे कंटिन्यूसली हमें चलाते ही रहना है। देखिए थोड़ा सा उबाल आना शुरू हो गया है हमारे जो दही डाला था। तो अभी इस टाइम में थोड़ा सा चीनी डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून से भी कम, और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है। दही डाला है तो थोड़ा सा चीनी डालने से उसका टेस्ट थोड़ा बैलेंस हो जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है। और मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है और उसको अच्छे से मिला लेना है और कवर करके और 2-3 मिनट के लिए पका लेना है। 2-3 मिनट बाद देखिए हमारा दही जो था वो भी अच्छे से कुक हो गया है सब। और जो भिंडी हमने फ्राई करके रखा था
उसको भी मैं डाल रही हूँ अभी, और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अभी उसको हम कवर करके 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पका लेंगे। देखिए 4-5 मिनट हो गया है और ग्रेवी भी अच्छा बन गया है, जितना हमें चाहिए उतना है, ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए। तो अभी मैं लास्ट में उसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया, और गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। देखिए हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी मसाला बनके तैयार है। आप ये रेसिपी ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। अगर अच्छा लगा ये रेसिपी आपको तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।